अस्सलाम वालेकुम गैस। तो हम लोग कल लेह से ड्राइव करके तुरतुक आए थे, तो रात में हम बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, तो फाइनली एक हमें कश्मीर की आंटी मिली जिन्होंने हमें अपना घर दिया रहने के लिए। आंटी बस अकेली रहती है, उन्होंने रात में हमारे लिए खाना भी बनाया। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लेह से चलने के बाद, फिर भी उन्होंने रात में खाना बना के हमें खिलाया और बोला कि तुम मेरे बेटे जैसे दिखते हो। बहुत ही अच्छा लगा फिर ये चीज़ें। मैच खेलेगा, मैच क्रिकेट खेलेगा। तो ये स्कूल है जो ये पाकिस्तान का था, लेकिन 1971 में जब यहाँ जंग हुआ, वार हुआ, तो ये इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गया ये एरिया तुरतुक। ऐसे बहुत सारे विलेज है, दो तीन और भी है जो इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गया। ये दो बच्चे तो पीछे ही पड़ गए भाई मेरे गोपरों के। फोटो आपके पापा को भेज देंगे, आपके पापा को व्हाट्सएप कर देंगे फोटो, आपके पापा को व्हाट्सएप कर देंगे फोटो, मेहताब अंकल के पास है फोटो। आपके पापा को फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पे। गाइस मजा आ गया यार, क्या मतलब यहाँ पे इतने बच्चे लोग थे, उनका फोटो क्लिक किया मैंने, और अभी भी हमारे साथ सभी आ रहे, बोल रहे आपके साथ जाऊंगा जाऊंगा, काफी अच्छा लग रहा है। हमारी गाड़ी में ओवरहीटिंग के इशू बार बार आ रहे थे, और गाड़ी ऐसा हो गया था कि आगे बढ़ भी नहीं रहा था क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा था। और हम खरदुंगला से कुछ ही दूर पहले थे, और एक बार अगर हम खरदुंगला पहुंच जाते तो हम आराम से लेह तक न्यूट्रल में गाड़ी डाल के ढलाई कर सकते थे, और हमारे पास फिर बहुत ही ज़्यादा मैकेनिक का ऑप्शन भी होता लेह में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तुरतुक के रास्ते में या बीच में कहीं भी मैकेनिक का शॉप नहीं था, और शाम भी हो रहा था, और खरदुंगला में भाई क्या बहुत ही ज़्यादा ठंड गिर रहा था, क्योंकि खरदुंगला जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर है। और एंड में हमारा गाड़ी रुक गया, और फिर हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो हमने लास्ट में ट्रक वाले से हेल्प लिया, और हमने ट्रक वाले को बोला भैया जैसे भी आप मुझे खरदुंगला पहुंचा दो। एक बात होता है यार, क्या है ना, ले जब भी जाओगे आप तो कोई ना कोई आपका हेल्प पक्का करेगा वैसा है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है आपको वैसे छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई गलत सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाएंगे कि जान मेरा क्या है वैसा वाला ना। तो उन्होंने बोला भैया जैसे भी मैं आपको खरदुंगला तक छोड़ दूँगा, और मुझे खरदुंगला पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज गए थे,
और बहुत ही ज़्यादा ठंड था यार। फिर हमने वहाँ से गाड़ी को न्यूट्रल किया और हमने ले पहुँचा। बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। तो आप लोग जब भी आओ, आप अपना कूलेंट मतलब रेडिएटर जो होते हैं उसको एक बार चेक करवा लिया करो, वो बहुत ही ज़रूरी है। और डीजल वगैरह भी अगर आप चाहते हो तो स्टॉक करके रखो 1 से 2 लीटर कम से कम, क्योंकि आजकल के जो भी गाड़ी है वो मतलब जब तक आपका गाड़ी ऑन नहीं रहेगा आपका स्टीयरिंग जो है राइट या लेफ्ट कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत डीजल रहेगा तो कम से कम आप न्यूट्रल में डाल के राइट लेफ्ट करके टो की हेल्प से आप आगे बढ़ भी सकते हो। अगर डीजल ख़त्म हो गया तो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा, आप टो भी नहीं करने के लायक रहोगे। हम पेंगोंग के लिए निकल चुके थे लेकिन हम गलती से गलत रास्ता पकड़ लिए और ये गलत रास्ता हमें इतनी खूबसूरत जगह ले गया भाई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। वहाँ के जो लैंडस्केप थे ना बहुत ही खूबसूरत था। हमने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, हमने सोचा अरे यार पेंगोंग लेक बाद में जाएंगे, पहले यहीं रह जाते हैं। हमने तो सोच लिया था कि यहीं एक दिन कैंपिंग करना है, रहना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शाम था और हमारे पास कुछ खाने पीने का सुविधाएँ नहीं थी। तो हम बोले नहीं यार निकलना पड़ेगा जैसे भी, और फिर हम वहाँ से पेंगोंग लेक निकले। अभी पेंगोंग लेक के पास हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और वन ऑफ द फेमस प्लेस इन ले बोल सकते हो आप। जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ वो ज़रूर यहाँ घूमने आते हैं पेंगोंग लेक। तो मैंने सोचा मैं भी चलूँ। अगर आप यहाँ आते हो तो अगर आपके पास अपना कैंप है तो आप वो लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जो टेंट का कैंप का पैसे है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस करते 4000 अराउंड, जो आपको बहुत भारी पड़ सकता है ना। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे आप अपना गाड़ी ड्राइव मत करो, गाड़ी फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा।
गाइस, तो वी आर हेडिंग बैक